हेलो एवरीवन, तो सबसे पहले हम बुद्धास के स्टैचू से शुरू करते हैं अपना ये व्लॉग। और ये देखिए कितनी सुंदर ये स्टैचू हैं। ये कवर है, वाइट है, ब्लैक है, ब्राउन है, मेटल का है। और यहाँ कोई रेट बताने वाला नहीं था क्योंकि हम शार्प 11:30 पहुँच गए थे। ये फर्स्ट शॉप थी, शुरुआत हमारी अच्छी हुई, आप देख सकते हैं। और लास्ट टूर मैंने इसलिए बोला है कि न्यूज़ में आ रहा था कि मार्केट बंद होने वाला है, तो हमने सोचा एक विज़िट कर ली जाए। ये वुडन स्टैचू है, वुडन के सीधे फ्रेम्स हैं, इन रस्टिक लुक में हैं, इनको आप पेंट कर सकते हैं। ये भी आप देखिए कुछ कुछ लिखा हुआ है डिफरेंट, आप घर को डेकोरेट कर सकते हैं उनसे। और ये देखिए डिफरेंट फोटो फ्रेम्स हैं, इनको भी आप डिफरेंट पेंट कर सकते हैं अलग अलग कलर्स में, एज इट इज़ भी रख सकते हैं। वाइट हैं, कुछ शो पीसेज हैं, ये देखिए राउंड वाला है। बहुत सुंदर चीज़ें थी, कुछ पुरानी हैं जिनको आप अपने तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। ये है रैबिट का स्टैचू, जो वुडन कटआउट्स होते हैं उस तरह के हैं। ये स्टैंड है, आप कोई भी फोटो लगा सकते हैं या कुछ स्पेशल लिखवा सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको डिफरेंट लिखा हुआ मिलेगा, लॉन्ड्री लिखा है, कहीं आपको ऐसे कुछ लगाना है, किचन में लगाना है। ये प्लांटर्स है, ये यहाँ पे आप अपने पॉट रख सकते हैं, ये हटकी शेप में है। ये रग है, इसकी कॉस्ट इन्होंने 200 रुपीज बताई थी, बाकी बार्गेनिंग यहाँ होती है। और ये क्रॉकरी है जिसके लिए फेमस है मार्केट, खुर्जा की पॉटरी है ये। और इसमें बाउल्स हैं 70-80 रुपीज़ के, मग्स हैं, प्लेट्स हैं, हांडी हैं, और ये सर्विंग डिश हैं। तो बहुत सुंदर कलरफुल आप ये देख सकते हैं, बट आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पर, जैसे कभी क्रैक्स हैं बीच में। अब क्योंकि मार्केट कह रहे हैं कि बंद होने वाला, तो बहुत ज़्यादा वैरायटी मुझे नहीं दिखी, बट हाँ फिर भी काफ़ी कुछ है, आप जाकर उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। बीच बीच में ये प्लांट्स वाले भी हैं, इंडोर प्लांट्स हैं, 100 रुपीज़ का एक है। और ये लोग सेल कर रहे थे कि पानी में लगा हुआ है, नीचे स्टोन है और एक कांच का जार है, तो आई थिंक ये 100 रुपीज़ में ठीक है, इतनी मेहनत भी ये लोग करते हैं। और ये देखिए आप, जूट के बने हुए बैग्स हैं, जैसे घर में पहले बनाते थे, रग्स हैं, बैग्स हैं, ये देखिए जूट के हैं, जो जिससे चारपाई बुनी जाती थी उस तरह का है। और ये कुशन्स हैं, 800 रुपीज़ का पेयर इन्होंने कोट किया है, आप बार्गेनिंग कर सकते हैं। आप डिफरेंट बड़े साइज़ के हैं तो उस टाइप से आप अपना हिसाब से ले सकते हैं। ये कारपेट्स हैं, एक कारपेट का रेट इन्होंने 4000 बताया था, बट अलग अलग तरह के कारपेट साइजेस हैं। ये देखिए फिर से वुडन ट्रेज हैं, कटआउट्स हैं, छोटे छोटे ज्वेलरी बॉक्स हैं, फ्रेम्स हैं, छोटे छोटे डेकोरेटिव आइटम्स हैं, आपके ये लैम्प्स हैं, इसमें आप वायरिंग करा के लैम्प लगा के ऊपर शेड लगा सकते हैं। मतलब ये थोड़ा रॉ है, आप इसको फिनिश कर सकते हैं। ये जैसे पानीपत में मिलते हैं रग्स हैं, और बेड साइड स्प्रेड्स हैं, ये स्टूल्स हैं, ये भी 2500 रुपीज़ के टू हैं जिनमें वुडन लेग्स हैं। और कुल मिलाकर अच्छा लग रहा था, कलर कॉम्बिनेशन आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। और बार्गेनिंग यहाँ होती है तो आप अपने अकॉर्डिंग रेट्स इनसे बात कर सकते हैं। ये कुशन हैं, डिफरेंट साइज़ के हैं, कारपेट्स हैं छोटे बड़े साइज़ में। ये देखिए फिर से आपके मेटल के डेकोरेटिव आइटम्स हैं, ट्रे हैं, वायर से बने हुए केज हैं, तो आप किसी भी तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। लैम्प्स हैं सामने, ये वॉल डेकोर पीसेस हैं, ये मोस्टली इसमें देखते हैं हम मिलते हैं। ये स्टूल्स हैं वुडन के, और ये मिरर हैं, ये 1700-1600 कोट करते हैं रेट। ये देखिए बहुत सुंदर स्टूल है, ये चेयर है, वुडन चेयर है, देखिए वुडन है लेकिन इसकी क्वालिटी का मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ कितना ड्यूरेबल है, बट अगर आप जाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ये चेयर भी 2500 कोट की थी इन्होंने, तो उस तरीके से आप देख सकते हैं। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि मार्केट वहीं साइड में लगाना शुरू कर दिया है, हम 3 डेज पहले गए थे। ये मेटल के डेकोर हैं, डिफरेंट पीसेस हैं, बहुत सुंदर हैं देखने में,
आप अपने घर के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। एंट्रेंस पे लगाना है तो ये मिरर भी अच्छा है, और ये 1500 to 1700 ये कोट करते हैं। 1200 में भी ये मेटलिक पीस है जो ट्री टाइप आपको दिखाई दे रहा है, और ये लैम्प शेड्स हैं, मैगजीन होल्डर हैं, इनमें आप न्यूज़पेपर और मैगजीन्स रख सकते हैं। ये फिर रस्टिक लुक में आपके कैंडल स्टैंड हैं, वुडन कैंडल स्टैंड हैं, ये भी आप 1000 के 2 दे देते हैं बार्गेनिंग करने के बाद। मिरर है, ये देखिए हाथ में लेके दिखने वाला मिरर है, बहुत सुंदर ट्रेज हैं और मल्टी कलर में भी हैं, तो आप ये आइए ज़रूर विज़िट कीजिए। ये मल्टी कलर में देखिए, ये जोधपुर का इन्होंने बताया है, बना हुआ है। कुछ वुडन स्पैचुला हैं, एक बर्ड है, ये वुडन फ्रेम्स हैं। सभी शॉप्स पे डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स हैं, और कुछ हर शॉप पे डिफरेंट रेट हैं, तो आप ज़रूर एक बार देखिए, घूमिए और फिर सिलेक्ट कीजिए। ये छोटी छोटी अलमीराज हैं, ये भी डेकोरेशन वॉल डेकोरेशन पीसेस हैं, ये बड़ी सी की लगी हुई थी वुडन, ये भी वॉल डेकोर पीस है। तो काफ़ी सारे हैं जिनको आप अपने हिसाब से कलर कर सकते हैं। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप इस समय मार्केट जाते हैं तो आप अम्ब्रेला ज़रूर लेके जाइए, छाता लेके जाइए, बहुत ज़्यादा गर्मी है दिन में। ये देखिए कुछ ऑर्गेनाइजर्स हैं, फिर से फ्रेम हैं और कैंडल स्टैंड हैं, ये देखिए बर्ड है, तो बहुत अच्छे आइटम्स हैं। बहुत पास से आपको टाइम लगाना पड़ेगा, 11 o'clock से पहले मार्केट नहीं खुलता है, तो आप टाइम देख कर आइएगा। ये देखिए वुडन ट्रे हैं, इनको आप वार्निश कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, सर्विंग भी कर सकते हैं इसमें। ये देखिए स्टार है, ये कलर ट्रे हैं, इनके भी कलर बहुत सुंदर नहीं थे, थोड़ा साफ नहीं लग रही थी, इसको कर सकते हैं आप पेंट। ये भी ट्रे हैं, बड़े साइज छोटे साइज सब में उपलब्ध हैं। ये मिरर था, इसका भी कोस्ट उन्होंने ये 1200 बताई थी। ये देखिए चेयर्स हैं, स्टूल्स हैं, छोटे छोटे ये बॉक्सेस टाइप स्टूल हैं, इसमें अंदर आप रख भी सकते हैं और बैठ भी सकते हैं। फर्नीचर भी इस समय काफ़ी था। ये वॉल क्लॉक्स हैं, ये भी बहुत सुंदर लग रही थी, जिसको 2500 इन्होंने कोट किया था। टेम्पल हैं, फ्लावर वॉज हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। ये देखिए ये भी फ्लावर पॉट है, बहुत अच्छे से काम किया हुआ है इसमें। ये छोटी छोटी साइकिल हैं डेकोरेशन के लिए, जिसकी मैंने फ़ोटो भी लगाई है। ये तोप हैं छोटी, ये भी सजाने के लिए है, आप टेबल पे किसी कॉर्नर में रख सकते हैं इसको। मिरर, आप मिरर अगर लेना चाहते हैं यहाँ से तो केवल वुडन फ्रेम लीजिए, ताकि आपको ले जाने में आसानी रहे। ये देखिए ये भी जो मिल्क मैन आता है ना दूध लेके, उसकी साइकिल का एक छोटा सा शोपीस है, बहुत सुंदर लग रहा है। फ्लावर वाज आप इसमें रख सकते हैं। और ये देखिए फिर से पॉटरी है, ये खुर्जा वाली क्रॉकरी है, इसमें छोटे छोटे बाउल हैं, ये मल्टी कलर में है, लैंटर्न है, ये स्टैचू हैं, डेकोरेटिव स्टैचू हैं, बुद्धाज हैं, गणेश जी की प्रतिमा है, गोल्डन है, ब्लैक है, बहुत अच्छी हैं ये। दिवाली के हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ें हैं, आप खरीद सकते हैं। ये वायर से प्लांटर है, छोटे छोटे प्लांटर हैं, बड़े हैं। ये चेयर और टेबल का सेट है बालकनी में बैठने के लिए। मिरर आप फिर देख सकते हैं, वाइट में भी हैं, वुडन कलर में भी हैं। ये लेटर्स हैं, ये कांच का फिर मनी प्लांट लगाना है तो बॉटल्स हैं, या कोई फ्लावर्स लगाने हैं, तो पूरा कांच का सामान था। ये मेटल के है, जाली से बना हुआ है, कैंडल स्टैंड है, ऑर्गेनाइजर्स हैं, ये भी बहुत अच्छा है, ब्लैक और ब्लू है, लैम्प शेड्स हैं, ये मैगजीन होल्डर है, छोटे छोटे स्टैचू हैं। ये फिर लकड़ी का सामान है, और काफ़ी सारे इसमें ट्रेज हैं, चॉपिंग बोर्ड्स हैं, छोटे छोटे बाउल हैं, बहुत सुंदर चीज़ें हैं, कैंडल स्टैंड हैं, की होल्डर हैं, आप इस तरीके से उसमें जाकर चूज़ कर सकते हैं। लेटर्स भी हैं, आप उनसे कुछ भी लिख सकते हैं, बना सकते हैं। ये फिर से आपके वॉल हैंगिंग हैं, जो जूट टाइप कपड़े में बने हुए हैं, कुशन्स हैं,
बड़े बड़े कुशंस हैं, और ये देखिए वायर का ही है ये भी सब, ये मेटल का था, और ये भी प्लांटर है, इसमें आप सेंटर में कुछ रख सकते हैं, एंट्रेंस पे रख सकते हैं, बहुत सुंदर है। अगर आप यहाँ आते हैं तो ये कैंडल स्टैंड देखना ना भूलें, ये दिवाली के लिए बहुत परफेक्ट आइटम है। ये ऑर्गेनाइजर्स हैं, ट्रेज हैं, ये देखिए इसमें आप किचन में रख सकते हैं ऑयल की बॉटल, पिकल की बॉटल, ये चॉपिंग बोर्ड था बड़ा वाला, ये देखिए मेटल के आइटम है, ये भी सर्विंग डिश है, और ये फिर से वही सिटिंग स्टूल हैं, ये भी डिफरेंट हाइट डिफरेंट साइजेस के हैं, डिफरेंट कपड़ा है इनके ऊपर लगा हुआ, तो आप आकर देखेंगे तभी आपको प्रॉपर पता चल पाएगा। ये फर्नीचर है, इसमें छोटी छोटी अलमीरा हैं, ये जो मल्टीपर्पज़ यूज आ सकती हैं आपकी, क्रॉकरी रैक टाइप है, ये छोटे छोटे स्टूल जैसे साइड में आपके चेस्ट ड्रॉर्स टाइप हैं, ये छोटी टेबल्स हैं जिन पर मार्बल या ग्लास का आपका टॉप लगा हुआ है, ये वॉल पीसेस हैं, जाली का काम है, ये भी मार्बल का पीस लगा हुआ है टेबल पे, नीचे वायर का स्टैंड है और ऊपर मार्बल ही उसका पीस है, ये ग्लास का है, ये फिर मार्बल है, ये फिर मिरर आ गए हैं, और ये फ्लावर वाज हैं कांच के, और ये 1600 का एक कोट किया है इन्होंने, ये मल्टी कलर हैं, जैसे रेड में भी है, येलो भी है, ये पर्पल है, ये 1600 का है, इसका हमने रेट पूछा था तो उन्होंने 1600 बताया था, बट बार्गेनिंग कर आप कम कर सकते हैं। हैवी और सुंदर थे देखने में, ये वुडन रोटेटिंग ट्रे रोटेटिंग टेबल थी, ये सारा वुडन थे, इनके स्टूल्स बहुत अच्छे थे, जो स्टूल थे वो बहुत सुंदर थे, ये छोटी छोटी साइकिल हैं, ये देखिए ये वाले स्टूल हैं, कुछ प्लेन हैं, कुछ में जाली लगी हुई है, मिरर हैं, देख सकते हैं आप, बहुत सारी चीज़ें थी, ये तो जब मार्केट क्लोज हो रहा है तब है, अगर फुल फ्लैश चलता है तो बहुत ही सुंदर लगता होगा। ये देखिए बहुत सुंदर बाज है बना हुआ वुड का, ये बॉक्सेस हैं, ये बहुत सुंदर हैं, और ये पानी देने के लिए जो आता है मेटल का वो है, और ये बॉक्स 6000 कोट किया है उन्होंने, 6 to 8000 डिफरेंट साइज हैं, इसलिए उसके डिफरेंट रेट हैं। पानी की बॉटल या फिर कुछ खाने का सामान अपने साथ ज़रूर रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।